पर मैं संगीता बटेगा आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ गरम मसाले की रेसिपी को शेयर कर रही हूँ। पंजाबी गरम मसाला है जिसे आप बना के 6 से 8 महीने तक यूज कर सकते हैं। इसका अरोमा लगातार ऐसा ही एक जैसा बना रहेगा। आप इसे ट्राई कीजिए और होली स्टेज को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए, शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू। पंजाबी गरम मसाला बनाने के लिए हमें चाहिए छोटी इलायची, ये मैंने एक छोटा बाउल लिया है, इसका अगर बाई वेट देखेंगे तो आप ये 20 ग्राम है। बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी और इनका जस्ट डबल लेंगे हम जीरा, काली मिर्च और 4 times लेंगे धनिया, साबुत धनिया। तो सबसे पहले इन खड़े मसालों को आप धूप में अच्छी तरीके से 2 से 3 दिन तक धूप लगा के अच्छे से सुखा लेंगे। सुखाने के बाद हम इसे ग्राइंड करेंगे। फ्रेंड्स, ये जो बाउल है मेरा 20 ग्राम का बाउल है छोटा, इसमें हम सबसे पहले छोटी इलायची, ये देखिए आप बहुत छोटा सा बाउल है, अगर इनको आप काउंटिंग में लेंगे तो 8 से 10 ये बड़ी इलायची है, 4 sticks ये दालचीनी है, इसे भी तोड़ के हम ग्राइंडर में डाल देते हैं, लौंग, काली मिर्च और जीरा हमने डबल लेना है। अब हम इसे ग्राइंड करेंगे, बिल्कुल बारीक इसको पीसना है। ये मैंने पीस लिया है। अब हम इसमें धनिया को डाल के अगेन फिर से पीस लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने ये पीस लिया है, इसको बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आपने कन्वर्ट करना है। देन आप इसे एक एयर टाइट कंटेनर में भर के स्टोर कर लेंगे। ये मैंने एयर टाइट कंटेनर में डाल लिया है। आप जब भी गरम मसाला बनाए आप इसी तरीके से पीसने के बाद तुरंत उसे एयर टाइट कंटेनर में डाल के बंद करके रख सकते हैं। आप इसे 6 से 8 महीने तक इस्तेमाल कीजिए, बिल्कुल भी टेस्ट में खराब नहीं होगा, इसका टेस्ट भी चेंज नहीं होगा। कारण है उसका, हमने इसको रोस्ट नहीं किया है, हमने इसे धूप में सुखाया है। जितने भी खड़े मसाले थे वो सब हमने धूप में सुखाया है। मैं एक बार फिर से बता दूं, जो मैंने ये बाउल लिया था इसमें 20 ग्राम के आसपास बाय मेजर 20 ग्राम 20 से 25 ग्राम ही इसमें मटेरियल आता है। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ज्यादा या कम ले सकते हैं। जब भी आप गरम मसाला बनाए तो ध्यान रखिएगा कि 4 times हमने साबुत धनिया लेना है, 2 times लेना है जीरा और काली मिर्च और बाकी 1 times लेना है, यानी कि 1, 2 and 4 का रेशियो हमने इसमें इस्तेमाल किया है। आप इस बार होममेड गरम मसाला बनाइए और इसे ट्राई कीजिए, आपको ये जरूर पसंद आएगा। आप प्रोलिक स्टेज को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।